नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। दोस्तों, कर्मचारी हित में सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। अब सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। देश के सभी सरकारी कर्मचारियों को पालन करना ये दिशा निर्देश अनिवार्य होगा। देश के सभी सरकारी कर्मचारी ध्यान दें और इसको देखें, समझें और अपने विचार लिखें, बिल्कुल लाइक करें। तो आइए जान लेते हैं लैट्स को। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए जारी किए दिशा निर्देश, अब करना होगा इन नियमों का पालन। चलिए नई गाइडलाइन कर्मचारियों के लिए जारी की गई वो देख लेते हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी भी देश पर मंडरा रहा है। इसी के चलते केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के कार्यालय आने के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकारी कार्यालयों में कोरोना पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ने के बाद ये कदम उठाया गया है। सरकार के नए दिशा निर्देश में अब केवल उन कर्मचारियों को कार्यालय आने को कहा जिन्हें कोई लक्षण नहीं है। तो आपको बताते हैं नए नियमों के बारे में, चलिए पूरी गाइडलाइन देख लेते हैं। पहला है, अगर सर्दी खांसी या बुखार है तो घर पर ही रहने को कहा गया है। दूसरा, कंटेनमेंट जोन में रह रहे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी घर से ही काम करेंगे, जब तक कंटेनमेंट जोन नहीं हट जाता तब तक घर पर ही रहेंगे। तीसरा, एक दिन में 20 से अधिक कर्मचारी काम नहीं करेंगे, इसके लिए रोस्टर बनाया जाएगा, बाकी घर से काम करते रहेंगे। चौथा, अगर एक केबिन में दो अधिकारी हैं तो वे एक दिन छोड़कर आएंगे। पांचवा, पूरे समय मास्क लगाना होगा, जो नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। छठवा है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। सातवा, अधिकारी अपने कंप्यूटर आदि की खुद ही सफाई करेंगे। आठवा, जहाँ तक संभव हो आमने सामने की बैठक से बचा जाए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,007 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 91 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 85,975 हो गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,060 हो गई है। राज्य में अब तक 43,591 एक्टिव मामले हैं। महाराष्ट्र ने कोरोना संक्रमण के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, जबकि यहाँ पर कोरोना की वजह से अभी तक पाकिस्तान से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आप कर्मचारी अधिकारी हैं तो इस गाइडलाइन का पालन करें, जो दिशा निर्देश सरकार ने दिए हैं उनको अपनाएं और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि देश के सभी अधिकारी कर्मचारी तक ये जानकारी पहुँच सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए